हर आदमी अपना बिजनेस ऑटो पायलट पर लेकर जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं बिजनेस में अंदर बहुत घुस गया हूं, बिजनेस में मुझे काम करना पड़ रहा है, बिजनेस में सुबह से रात तक वहीं बैठना पड़ता है, गल्ला छोड़ नहीं सकते, बिजनेस का जो कैंपस है, एरिया है, वो छोड़ नहीं सकते। मैं वहां से हट जाऊं तो लोग काम नहीं करेंगे, नजर हटी, दुर्घटना घटी, बार बार लोग आते हैं, पूछते रहते हैं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, तो मुझे जवाब देना पड़ता है। और फिर उसको लगता है कि मैं शाम तक बहुत ही थक गया हूं, अभी तो मतलब पूरा जूस निकल गया है, गारंटी वारंटी सब खत्म हो चुकी है। 10 बजे रात को, 11 बजे वो अपने घर पे चले जाता है। ये एक्चुअली बिजनेसमैन है नहीं, ये है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, कि जिसने अपने आप को अपने बिजनेस में काम पे रखा है बिना सैलरी का। वो खुद गल्ले पे बैठा है, खुद सब मैनेज करता है, खुद काम करता है, खुद इंस्ट्रक्शंस देता है। और ये सब क्यों करता है? क्योंकि वो व्यक्ति के पास में सिस्टम नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उसके पास में नहीं है कि भाई वो लोगों को बता सके कि मैं क्या करूं। क्या है कि उसके लिए जरूरी है कि भाई आपके पास में जो भी बिजनेस में काम होता है वो आपके पास में पूरा लिखा है क्या, पूरा लिख कर रखा है क्या, एक एक स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, एक 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 काम लिखा है क्या। और वो यदि काम लिखा है आपके पास में, स्टेप बाय स्टेप लिखा है, हर जगह पे क्या सवाल आता है वो सवाल का सॉल्यूशन या जवाब लिखा हुआ है, मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो फिर डिसीजन का काम ही नहीं है, वहीं सब लिखा हुआ है। तो वो जो कागज़ है वो लोगों को पकड़ा दो, बोलना ये कागज़ में जैसा लिखा है वैसा करो, तो फिर आपकी जरूरत नहीं है। मगर बिजनेसमैन इसमें ट्रेंड नहीं है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तैयार करने में, सिस्टम्स बनाने में बिजनेसमैन ट्रेंड है नहीं। हाँ, उसने बिजनेस सीख लिया है, उसको मालूम है बिजनेस कैसे करना, मगर वो खुद होके जब वहाँ रहता है, मौजूद रहता है, तभी उसको बिजनेस कैसा करना है वो आता है। उसको ये कलाकारी मालूम नहीं कि अपन नहीं रहते हुए बिजनेस कैसा चलाएंगे, तो उसके लिए सिस्टम्स करना जरूरी है। और मेनली क्या होता है, मेनली जो बिजनेस में प्रोसेसेस होते हैं वो होते हैं 5 तरीके के। नंबर एक होता है प्लानिंग, जो एक्चुअली बिजनेसमैन ने करना चाहिए, प्लानिंग, डिजाइनिंग, थिंकिंग, ये नंबर एक की प्रोसेस है। नंबर दो है मैनेजरियल वर्क एनेबलिंग, मतलब अपने हाथ के नीचे जो काम कर रहे हैं उनको सिखाना, ट्रेन करना, उनके जरिए काम करवा के लेना, उनको जो अड़चन होती है वो सिखाना, और लोगों को मैनेज करना, वो है मैनेजरियल वर्क। नंबर तीसरा है डूइंग, मतलब एक्चुअली काम करना। नंबर चार जो होता है सबसे बड़ा महत्व का, वो होता है मॉनिटरिंग करना, मतलब सब बराबर चल रहा है कि नहीं है वो देखना, मॉनिटर करना, जैसा लिखा है वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और पांचवा होता है कंट्रोलिंग, मतलब मॉनिटर करने के बाद में यदि गलतियां हुई है तो उसको ठिकाने पे लाके फाइन करना, दंड करना, सजा देना, जो कंट्रोलिंग का काम है तो वो करते हैं। तो डूइंग वाले लोग जो है, मैनेजर वाले लोग जो बराबर काम करेंगे। पर होता क्या है कि आपके जैसे लोग, आपके मतलब कोई भी व्यक्ति सीखता है, मेरे जैसे लोग भी सीखते हैं, सीखेंगे, मोटिवेशन लेंगे, धंधा कैसे करना है, बिल्कुल अब तो चालू ही करेंगे, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे भी फियर ऑफ फेलियर नहीं है, ये है वो है, सब करके आ जाएंगे, एक आधा वर्कशॉप करेंगे और बिजनेस में जाएंगे, बिजनेस में बोलेंगे चलो अब तो मैं ये सीख के आया हूँ, ये वर्कशॉप किया है, ये मोटिवेशन लिया, अब तो बिल्कुल पूरा करेंगे ही करेंगे। बिजनेसमैन के बिजनेस में जो लोग होते हैं उनको मालूम है कि ये जो आदमी आया हुआ है अभी ट्रेंड होके, ये 2 दिन रहेगा उत्साहित और बाद में ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में टाइम ही नहीं है बिजनेस चल रहा है कि नहीं वो देखने के लिए। यदि बिजनेसमैन बिजनेस चला रहा है तो बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता। बिजनेसमैन ने बिजनेस चलाने का नहीं है, बिजनेस चलाने के लिए चाहिए लोग और उसके लिए चाहिए सिस्टम। और वो सिस्टम यदि आप तैयार करते हैं तो बिजनेसमैन को बिजनेस चलाना नहीं पड़ेगा, वो थिंकिंग करेगा, सोचेगा, प्लानिंग करेगा, डिजाइनिंग करेगा, उसमें उसका टाइम जाएगा तो बिजनेस बढ़ेगा। तो फिर उसके लिए सिस्टम की जरूरत है, मगर सिस्टम भी उसने डाल दिया, मतलब रेडीमेड सिस्टम लाया, सिस्टम भी डाल दिया, और सिस्टम डालने के बाद में चल रही कि नहीं सिस्टम,
तो उसको लगते हैं लोग सिस्टम चल रही कि नहीं, वो ट्रैकिंग करने के लिए, वो मॉनिटरिंग करने के लिए लोग लगते हैं, कंट्रोल करने के लिए लोग लगते हैं, और वो सिस्टम बिजनेसमैन के पास में नहीं है। ये जो कंट्रोल मॉनिटर करने वाले जो लोग हैं उसको बोलते हैं प्रोसेस कोऑर्डिनेटर। प्रोसेस कोऑर्डिनेटर का काम क्या है? प्रोसेस कोऑर्डिनेटर का काम है कि प्रोसेस चल रही कि नहीं चल रही वो देखना, उसको कोऑर्डिनेट करना, उसको मॉनिटर करना, उसको कंट्रोल करना, ये उसका काम है। प्रोसेस कोऑर्डिनेटर का काम काम करना नहीं है, वो बिजनेस में कुछ भी काम करेगा नहीं। जैसा एक आधा पुलिसमैन जो है वो चौक पे खड़ा रहता है, वो कुछ भी काम करता नहीं है। उसका एक ही काम होता है कि आपने रूल तोड़ा कि आपको दंड करना, पकड़ना, दंड करना, फाइन करना। वैसा है जो प्रोसेस कोऑर्डिनेटर है, ये एक तरह का पुलिस है आपके बिजनेस में, और ये पुलिस का काम है कि प्रोसेस तोड़ा, रूल तोड़ा, उसको दंड करना। ह्यूमन बीइंग का एक बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का एक तरीका है। तरीका क्या है कि जब तक आपको कोई पनिश करने वाला नहीं तब तक आप काम नहीं करोगे, या जब तक आपको कोई इंसेंटिव नहीं है तब तक आप काम नहीं करोगे। शाबाशी नहीं है तो काम नहीं करेगी, मतलब अवार्ड रिवार्ड होना है, और उसमें भी फिर लोग शॉर्टकट करेंगे, बदमाशी करेंगे, और नहीं तो फिर आपको दंड करने वाला, पनिश करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होना। तो पेन और गेन में काम होता है, गेन होता है तो लोग काम करेंगे, नहीं तो पेन अवॉइड करने के लिए काम करेंगे। तो हमारे व्यवसाय में दोनों भी चलना चाहिए। अपने स्टाफ को यदि आप अवार्ड रिवार्ड्स देते हैं, अप्रिसिएशन गिफ्ट्स देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, शाबाशी देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, तो वो चलेंगे। और दूसरा जो सिस्टम बिठाई हुई है उसको चलाने वाला व्यक्ति जो है वो चला रहा है, और यदि आप बराबर कर नहीं रहे काम तो आपको पेन भी है, दंड भी है, पनिशमेंट भी है, वो कर रहे हैं तो सिस्टम चलेगी। तो प्रोसेस कोऑर्डिनेटर का काम क्या है? काम नहीं करना। पुलिस का काम क्या है? काम नहीं करना, रूल तोड़ा तो दंड करना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोसेस कोऑर्डिनेटर मतलब पीसी जो अपने बिजनेस में है, हमको लगता है यार खाली, हमको भी लगता है कभी ये खाली बैठा हुआ है, बाकी लोग बोलते हैं कुछ काम नहीं करता, ये सिर्फ दंड करते रहता है, पनिशमेंट करेगा, अरे उसका काम ही वही है पनिशमेंट करना। तो आप भी एज ए बिजनेसमैन प्रोसेस कोऑर्डिनेटर जो है वो दंड देने वाला व्यक्ति जो है उसको कुछ भी काम बताने का नहीं है, उसका एक ही काम है कि हर प्रोसेस का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो दंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये करेंगे आप तो आपका बिजनेस चलेगा। मगर हम क्या है, एज ए बिजनेसमैन मैं कूदता हूँ, मैं जाके देखता हूँ कि काम बराबर हो रहा कि नहीं हो रहा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं चिखूंगा, मैं उनसे काम करवा के लूंगा। तो मैं जब यहाँ मतलब इसमें टाइम बिताऊंगा तो फिर तो शाम तक मेरा जूस निकल जाता है, मैं तो थक जाता हूँ। फिर बोलता है यार यही तो नहीं संभल रहा, अभी कहाँ से एक्सपांड करूँ। तो आपका बिजनेस ऑटो पायलट में चलने के लिए सिस्टम की जरूरत है। सिस्टम में एक होता है डूअर, एक होता है मैनेजर, एक होता है मॉनिटर, चौथा होता है कंट्रोलर, और पांचवा आप होते हैं खुद जो है थिंकर और डिजाइनर, प्लानर, एक्सपांशन करने वाला, एंटरप्रेन्योर। तो ये सब सिस्टम यदि रहेंगे आपकी, उसमें सबका रोल डिसाइडेड है, सबका गोल डिसाइडेड है, तो गोल मालूम है, रोल मालूम है, कैसे करना मालूम है, लोगों का ट्रेनिंग किया हुआ है, डेवलपमेंट लोगों का हो रहा है, तो लोग काम करेंगे। और हमारा बीइंग जो ह्यूमन बीइंग का बीइंग है कि जब तक फटके बैठे नहीं तब तक काम नहीं करना, तो उसके लिए फटके देने वाला, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग वाले लोग चाहिए। देखो टाइम का पालन जिंदगी भर कभी ना करने वाले लोग ट्रेन पे बहुत समय पे पहुंच जाते हैं, फ्लाइट में तो फ्लाइट के पहले ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि फटके हैं वहाँ, वहाँ टाइम पे नहीं गए तो ट्रेन का टिकट कैंसिल हो जाएगा, दूसरी ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी, तो वहाँ बराबर लोग पहुंचेंगे। वहाँ नहीं बोलते नहीं यार मैं कभी मतलब जमता नहीं है, टाइम पालन होता नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, सब बराबर पालन करेंगे। तो फटके देना अपने जो स्टाफ जो काम कर रहे उनको, यदि वो काम बराबर करते नहीं है, टाइम टू टाइम करते नहीं है, अच्छा जो काम अच्छा कर रहे हैं उनको अवार्ड रिवार्ड देना, तो आपका बिजनेस चलेगा। और उसके लिए सिस्टम करना जरूरी है। हमारा जो मेरा जो मास्टरी है, लोगों को हम जब बिजनेस सिखाते हैं तो हम लोगों को ये सब सिस्टम तैयार करके देते हैं, लोगों को हम कोचिंग करके देते हैं। तो आपको यदि ऐसा चाहिए कि आपके बिजनेस में कोच, ऐसा कोई कोच जो हम करते हैं कि भाई वो सिस्टम बिठा के देगा,
सिस्टम तैयार करके देगा, फटके कैसे मारना, एप्रिसिएशन कैसे करना, मतलब पनिशमेंट पेन और गेन कैसे करना, सब सिस्टम बिठा जाए तो क्या होगा, आप फ्री हो जाओगे, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यदि फ्री हो गए तो आप सोचेंगे, विचार करेंगे, प्लानिंग करेंगे, डिज़ाइन करेंगे और आपका बिजनेस बढ़ाते जाएंगे। कभी भी हमको कॉल कर सकते हैं आप, कॉल कीजिएगा और डेफिनेटली आपका बिजनेस ऑटो पायलट पर कैसे डालना है वो सिखाएगा। थैंक यू वेरी मच, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सभी बिजनेसमैन को इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।